अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां शिल्पी प्लाजा में खाली पड़े परिसर में नए ऑफिसों को शिफ्ट किया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण किया है और प्राथमिकता के आधार पर यहां नए कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक में डीआईजी कार्यालय पुराने एसपी ऑफिस में शिफ्ट हो गया है। वहीं ईओडब्ल्यू का भी नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसके बाद अब वह कार्यालय भी खाली हो जाएगा। अब इन स्थानों पर नए विभागों को शिफ्ट करने की कवायद में जिला प्रशासन लगा हुआ है। कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन ने शिल्पी प्लाजा परिसर का निरीक्षण किया और नए कार्यालयों को इसमें शिफ्ट करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि वर्तमान में कई कार्यालय जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं, जिनको शिल्पी प्लाजा में शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। आइए सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने निरीक्षण के दौरान क्या जानकारी दी है। क्या इस कॉम्प्लेक्स में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें से कुछ अभी खाली हो गए हैं, कुछ के बिल्डिंग्स बन गए हैं, कुछ ऑफिसेज किराए में चल रहे हैं, उनको यहाँ शिफ्टिंग करना। इसके अलावा इसकी सेफ्टी ऑडिट कराना भी इसका एक उद्देश्य था, कैसे इसको बेहतर मेंटेन किया जाए और किस तरह से इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ऑडिट करके और क्या सुविधाएं यहाँ पर बेहतर की जा सकती है। अभी और कोई नए कार्यालय यहाँ पर स्थापित है, इसी को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि तो कितना स्पेस उन्हीं अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का एफर्ट है। ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट पे बने हुए ऑफिसेज है, एक जगह काफ़ी ऑफिसेज है, तो किस ऑफिसेज को कितने स्पेस की आवश्यकता है, किस ऑफिसेज के स्पेस कम करने की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है और किन नए ऑफिसेज को यहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत है और किस तरह से इसको व्यवस्थित करने की है, इसी को हम लोगों ने प्राइमरीली देखने के लिए आए हैं, फिर इसको प्लान करेंगे।